नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज यहाँ पर मैं काट रही हूँ आलू। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आलू को छील लेती हूँ और उसके बाद मैं काटूँगी। तो आज मैं अभी नहाना वहाना हो जा मेरा हो गया था, तो ये दोपहर का टाइम है। तो दोपहर के टाइम में मैं ये आलू जो है काट रही हूँ। तो ये आलू काट के और मुझे छोटे छोटे से काट लेना है और मैं अपने व्रत के लिए मतलब बना रही हूँ। दोपहर में बना लेती हूँ तो शाम का भी काम चल जाता है। तो ये एक वीडियो है, जिस दिन लास्ट नवरात्रि थी उस दिन की वीडियो है, तो उसी दिन का ये है। तो मैं कल डाल नहीं पाई थी तो वही वीडियो मैं आज डालूंगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आलू को छील लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं काटूंगी। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर बुलबुल भी थी तो ऊपर बच्चे खेल रहे हैं खाट पर, और नीचे मैं कैमरा सेट करती हूँ ना, तो ये लोग जब उतरते हैं तो फिर दिखाई देते हैं, क्योंकि उतनी जगह नहीं है तो बिल्कुल सामने मतलब पड़ता है, तो इस वजह से तो और इसीलिए मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा, पर क्या करें, सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो और यहाँ पे ये चश्मा था बाबू का, धागे में फंस गया था तो इसलिए मैं निकाल रही हूँ उसको। और यहाँ पे मैं पहले और तो दोनों के दोनों ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो मैं उन्हीं लोगों से बात कर रही थी। और यहाँ पे बस छील आलू जो है वो सब छील लूँगी, और छोटे छोटे आलू हैं, ज़्यादा मतलब बड़े बड़े नहीं हैं, तो ज़्यादातर मैं छोटे छोटे ही आलू ले आती हूँ। तो छोटे आलूओं की ना सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मतलब जो छोटे होते हैं ना उनकी सब्ज़ी अच्छी बनती है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर छोटे वाले ही लेती हूँ। थोड़ा मेहनत लगती है इसमें छीलने में और काटने में, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और जो बड़े बड़े होते हैं उनमें टाइम कम लगता है। जो आप ये चार काटेंगे वो एक ही में हो जाएगा, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन अच्छी बनती है। और उसके बाद यहाँ पे मैं छोटे छोटे से काट लेती हूँ, तो ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं काटना है, बहुत छोटे छोटे से काटूँगी मैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा तेल में बस थोड़ा सा तेल डालूँगी उसी में पकाऊँगी। तो बुलबुल मेरी अंदर गई है तो उसी को मैं बुला रही थी। ये दोनों हैं, मतलब बाबू भी हैं और बुलबुल भी, दोनों भी घर में खेल रहे हैं नीचे खटिया के नीचे ना, तो उसी को मैं बुला रही थी। तो बस यहाँ पे आलू हमारा जो है वो कट चुका है, तो अभी मैं धो लेती हूँ और धोने के बाद फिर मैं फ्राई करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस हमें रिफाइंड वाले तेल में बनाऊँगी और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दूँगी, तो बस यही डाल के मुझे बनाना है। और तो ये देखिए यहाँ पे हरी मिर्ची डाल दी हूँ और थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक जो है वो डाली हूँ, और तेल बस तेल वो और जो रिफाइंड का तेल आता है उसी में बना रही हूँ, तो आप घी में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको पकने में, तो अभी मैं पका लेती हूँ इसको, तो अभी थोड़ी देर में पक जाएगा। तो ये देखिए पक गया है, तो ये देख सकते हैं इस तरीके से, और बिल्कुल टूटा भी नहीं है। इस तरीके से बना के खाने में अच्छा लगता है, तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। लेकिन अभी इस टाइम तो व्रत नवरात्रि ख़त्म हो गई है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूर से आदमी बना लेता है ये। और यहाँ पर ये देखिए ये है चप्पल वाली, जो चप्पल की जो ज्योति आती है, तो वो ये सब कट्टे में भर के रखा हुआ है। तो ये कमरे जो मेरा रूम है उसके बाहर का ये सब है। तो देखिए कैसे कलर हो रहा है वो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से कलर करने के लिए ये माल मंगाती हैं, तो घर पे ही बनाती हैं, तो मतलब कुछ पैसे जो रहता है वो आ जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से खाली कलर करना पड़ता है यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके करती हैं। तो मैं देख रही थी तो मैं सोची लाओ मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, और ऐसे मतलब करने से फिर यही ज्योति चप्पल में लग जाती है। और उसके बाद यहाँ पे मैं तेल रख दी हूँ गर्म होने के लिए, तो मैं कुट्टू का आटा जो है उसी की पूड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख रही हूँ तेल गर्म है या नहीं, तो निकाल लेती हूँ इसको, फिर उसके बाद मैं तो फटाफट से मैं अभी ये जो पूड़ी है वो मैं तल लूँगी, इस तरीके से बना लेती हूँ।
तो नवरात्रि के व्रत में अगर मतलब जो लोग खाना चाहते हैं वो लोग ले आके बनाते हैं, कुट्टू का जो आटा मिलता है उसका पूड़ी वूड़ी ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। अगर खाने वाले रहते तो मैं कभी कभार बना लेती थी, तो ये लास्ट वाले दिन बनाई थी मैं। और वैसे तो मैं आलू वगैरह इन्हीं सब चीज़ों से काम चला लेती थी, इतना मतलब टाइम नहीं रहता है बनाने का, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करना चाहती थी इसीलिए। तो इसको पहले हल्के हल्के पानी से आटे को गूंथ लेना अच्छे से, उसके बाद फिर इसको बनाना है और कुछ नहीं करना। तो ये देखिए कितनी अच्छी से फूली फूली सी बन रही है, देख सकते हैं आप लोग, और बहुत अच्छी लगती है ये। तो आप ऐसे भी इसको बना के खा सकते हो, कोई वो नहीं है। और ये देखिए, तो ये देखिए इसका आटा है ये। और बस उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा तल लेती हूँ। तो बस बताइएगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर से। और यहाँ पे मैं फटाफट से इस तरीके से ना इसको हल्के हल्के पानी हाथ में लगा के तब जाके इसको बनाना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा हाथ में पानी लगा के तब जाके बनाइएगा। और यहाँ पर बाबू बाहर हाथ गिर गया था तो उसका मैं हाथ धुला रही थी। तो रात का समय है ये, 8-9 के करीब हो रहा था। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो वहाँ पे बाहर तभी मैं देखने गई थी उसको। तो अभी मैं आ गई हूँ, तो अभी मैं बना लेती हूँ। और ये देखो आ गया यहाँ पर। और अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी पड़ने लगी है, तो चलिए बताइएगा आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। और आज की हमारी वीडियो इतनी है, तब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बस अभी करीब करीब बन चुका है, तो 2-4 पूड़ियाँ और रह गई हैं, अभी मैं बना लूँगी वो भी। तो बस चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना। और ये देखिए हमारी कचौड़ी बन गई है।